ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज, देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। राजस्थान एसोसिएशन द्वारा संचालित राजस्थान चिकित्सालय का पुनः शुभारंभ आज संस्था के स्थित चिकित्सालय परिसर में किया गया, जिसका उद्घाटन संस्था के अध्यक्ष दलपत जैन द्वारा किया गया। अध्यक्ष जी ने बताया कि पहले की भांति चिकित्सालय में साधारण रोग डॉक्टर अश्विनी कुमार, नेत्र रोग डॉक्टर एस के गुप्ता एवं होम्योपैथिक डॉक्टर के गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे तथा आगे और अन्य रोगों के डॉक्टर उपलब्ध होने पर डॉक्टर बैठाए जाएंगे तथा पॉलीक्लिनिक का भी बहुत जल्द शुभारम्भ किया जाएगा। मुख्य रूप से चिकित्सक संयोजक कामता प्रसाद गर्ग, महामंत्री करणराज वोरा, कोषाध्यक्ष संत कुमार जखोटिया, उपाध्यक्ष श्री बनवारी लाल जैन, मंत्री श्री महेश शर्मा, दीपक गुप्ता, प्रेम नारायण सोमानी, पवन अग्रवाल, दीपक सेठिया, दिलखुश जैन आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। सबको दवाइयाँ जो है निःशुल्क दी जाती। क्या जाँचें भी होती हैं यहाँ पर? जी, जाँचें भी होती हैं। जाँचें नहीं होती हैं। हमारा भविष्य में प्रोग्राम आगे ये है कि यहाँ पे पॉली क्लिनिक बनाएंगे, राजस्थान पॉली क्लिनिक, जिसमें यहाँ के शहर के बड़े बड़े डॉक्टर सब बैठेंगे और यहाँ का फ़ायदा ये रहेगा कि अगर उनकी डॉक्टर की फीस 700 रुपया है तो वो यहाँ पर आने वाले मरीज को 400 रुपये में या 500 रुपये में, 350 रुपये में, इस तरीके से मतलब 40% 50% में करीब देखेंगे। ओपीडी का क्या टाइमिंग रहेगी? ओपीडी की टाइमिंग जो है वो सुबह 12 बजे से चालू होगी। अभी जो ओपीडी अभी तो 9 बजे से 12 से 12 हाँ। और शाम को टाइमिंग रखी है जी? गर्ग जी, जो आज यहाँ पे चिकित्सालय का दोबारा से रीओपनिंग हो रही है, उसके विषय में क्या जानकारी देना चाहेंगे? मैं कामता प्रसाद गर्ग, चिकित्सा संयोजक राजस्थान चिकित्सालय, आपको इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि हम लोग का ये कार्यक्रम जो चैरिटेबल है, जिसमें हम लोग 10 रुपये से मात्र एक पेशेंट से पैसे लेते हैं और उसको डॉक्टर हमारे बड़े से बड़े डॉक्टर देखते हैं और दवाई भी सब हम लोग देते हैं। साथ ही अगर किसी प्रकार की जांच की भी व्यवस्था होती है वो भी हमारे पास व्यवस्था है, वो हम मार्केट से उनको आधे रेट पर उनकी जाँच करा के देते हैं। आगे आने वाले समय में हमारा ये प्रयास होगा कि हम ये कार्य हमारा सवेरे 9 बजे से और 12 बजे तक चैरिटेबल बिल्कुल पूर्णतया निःशुल्क रहेगा इस तरीके से। और यहाँ पर जैसे कि हमारे पहले 16 डॉक्टर बैठते थे, अब हम जिसका आज देश माँ है, सबसे बड़ा माँ का अपने भारत पर माँ का सबसे बड़ा माँ होता है, इसीलिए मैंने आज की तारीख इसलिए चुनी है कि आज के दिन इसका हम विधिवत नवीनीकरण करके और इसको पुनः स्थापित करें। तो इस बात से भी अवगत करा देना चाहूँगा कि हमारे आई कैंप यहाँ पर हमारे बहुत सीनियर डॉक्टर एस के गुप्ता जी बैठते हैं और वो बराबर सबकी नेत्र चिकित्सा करते हैं और हमारा बराबर प्रयास होगा कि यहाँ पर नेत्र कैंप बराबर आयोजन करते रहें क्योंकि पूर्णतया निःशुल्क होगा।